Hello everyone! Welcome back to Magnet Brains. I am Uswati, your spoken English educator, and once again I am back with the word of the day. What is the word of the day? The word of the day is profound. The word is profound. Profound. How do we pronounce this? We ham bolte हैं Okay, profound. Found. The found. The found. दिस इज द प्रोनाउंसियशन अब इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं कुछ लोग इसको प्रोफाउंड भी कहते हैं और प्रोफाउंड भी कहते हैं या तो प्र या तो इसी की जगह हो जाएगा प्रोफाउंड ठीक है क्लियर अब आते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच में पहले तो प्रोफाउंड होता क्या है प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा या गंभीर अब इसको इंग्लिश में भी समझते हैं कि वेरी ग्रेट और इंटेंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस के साथ इंटेंसिटी के साथ या ग्रेट तरीके से डिमांडिंग डीप स्टडी और थॉट ऐसा कुछ जो आपसे बोल रहा है कि उस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और इंसाइट ऐसा कोई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो बहुत ज़्यादा इंसाइट हो उस बारे में कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और फिर इसके मीनिंग पे वापस आएंगे क्योंकि मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ही वॉज अ प्रोफाउंड फिलोसफर ही वॉज अ प्रोफाउंड फिलोसफर फिलोसफर कौन होता है जो फिलोसफी के ऊपर जो है रिसर्च करता है डिफरेंट फिलोसफीज होती हैं वो तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है प्रोफाउंड मतलब ऐसा कुछ जिसको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में डीप नॉलेज है बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिसने उस पर बहुत अध्ययन किया हुआ है बहुत पढ़ाई की हुई है उसको बोलते हैं प्रोफाउंड फिलोसफर मैं ये भी कह सकती थी फॉर एग्जाम्पल रत्ना इज अ प्रोफाउंड थिंकर प्रफाउंड थिंकर का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा जो बहुत गहरी सोच में जाता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से गंभीरता से एकदम इंटेंसिटी के साथ सोचता है सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं द स्पीकर्स प्रोफाउंड वर्ड्स मेड मी थिंक अबाउट माई फ्यूचर आप बहुत सारे स्पीचेस देखते हो आप बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखते हो कभी कभी कुछ लोग आपको बहुत प्रभावित करते हैं समटाइम्स पीपल रियली इम्प्रेस यू विद द वर्ड्स यस ओ नो येस आपका मन करता है कुछ करने का हाँ ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है और आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं आपको लगता है कि हाँ मुझे चेंजेस लाने की ज़रूरत है सो प्रोफाउंड वर्ड्स मतलब जिनका डीप मीनिंग है प्रोफाउंड वर्ड्स मतलब जो बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको एक डीप मीनिंग आप तक पहुँचा रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं टॉम कूडेंट शेक द फीलिंग दैट समथिंग प्रोफाउंड वज अबाउट टू हैपन नाउ अगेन देर आर टाइम्स जब हमें इंट्यूशन होता है कि कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है और वो भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सो so, यहाँ पे जो बोल रहा है टॉम जो है इस फीलिंग को हटा नहीं पा रहा था शेक दैट फीलिंग का मतलब है हटा नहीं पा रहा था दैट समथिंग प्रोफाउंड समथिंग प्रोफाउंड मतलब समथिंग कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोफाउंड का मतलब है वेरी ग्रेट और इंटेंस कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होने वाला है अब एक बात बताओ अब मीनिंग थोड़ा क्लियर हुआ सो so, प्रोफाउंड का मतलब होता है जब आप किसी की तारीफ़ कर रहे हो जो इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है बहुत गहराई में जाके पढ़ता है किसी चीज़ पे पीएचडी एच कर रहा है तो वो एक प्रोफाउंड डॉक्टर है प्रोफाउंड थिंकर है प्रोफाउंड लेक्चरर है कुछ भी हो सकता है सिमिलरली प्रोफाउंड वर्ड्स मतलब जिनका बहुत ही गहरा मीनिंग है और प्रोफाउ फीलिंग अगर आ रही है इसका मतलब एकदम इंटेंसिटी के साथ बहुत ही गहरी बहुत ही ज़ोर से एक फीलिंग आ रही है कि कुछ

जो बॉक्स है उस पर प्लीज़ शेयर करना ठीक है बड़ा मज़ा आता है मुझे आपके सेंटेंसेस पढ़ के मुझे खुशी होती है कि आप अपना हंड्रेड परसेंट दे रहे हो और फोर हंड्रेड परसेंट चाहिए तो फोर हंड्रेड परसेंट के लिए सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे राइट थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय एंड हाँ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब